हे गाइस, नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी पी व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं जुपिटर 125cc का। तो मैंने रिव्यू कर चुका है वो, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो आपको डिटेल वीडियो देखना है तो उस पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आज मैं जुपिटर में लेके आया हूँ किक स्टार्ट। तो बहुत ही सारे लोगों के वही क्वेरी थी कि भाई किक नहीं अवेलेबल है, तो जब भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बोला था कि किक स्टार्ट वाला मॉडल आने वाला है, तो वो मॉडल आ चुका है हमारे पास। तो चलिए अभी जल्दी से मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, तो थोड़ा वॉक अराउंड रिव्यू भी दे देता हूँ आपको जुपिटर 125cc का, और साथ में कौन सा नया कलर भी आया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए, चलिए मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जुपिटर 125cc, तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका हुआ स्कूटी है ये। एक्टिवा के बाद यही मार्क टक्कर देने वाला है ये। 125cc की सेगमेंट में बहुत ही अच्छा स्कूटर निकाला है कंपनी ने। तो ये कंपनी का बेस्ट कलर है, ऑरेंज कलर आप देखिए, ग्लोसी फिनिशिंग में कलर है, और क्रोम का जो स्ट्रिपिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो गार्निशिंग वगैरह क्रोम का काफ़ी सारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पे एग्जॉस्ट पे भी देखने को मिल रहा है। तो स्कूटी काफ़ी अच्छा लग रहा है और प्रीमियम लुक भी लग रहा है। आप सीट्स वगैरह देखिए, सीट का जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लंबा सीट है, तो तीन लोग तो बड़े आराम से आप बैठ सकते हो। वैसे तीन लोग बैठना नहीं चाहिए, लेकिन बाय चांस कभी इमरजेंसी हुआ तो आप बैठ सकते हो। तो ये आप देखिए स्कूटी का साइड लुक, देखिए साइड प्रोफाइल देखिए, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा है स्कूटी। और यहाँ पे आगे से देखते हुए स्कूटी को, तो आप देखिए है हमारे साइड ग्लास मिरर, उस पर भी आपको क्रोम का गार्निशिंग देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव स्कूटी बनाया है यहाँ पे, बाकी सब कुछ सेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पे सेंटर में आपको TVS का लोगो देखने को मिलेगा, उसके नीचे आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन, और यहाँ पे साइड लाइट इंडिकेशन, तो यहाँ पर भी आपको क्रोम का गार्निशिंग दोनों तरफ देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा स्कूटी लग रहा है। टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके आपको एलॉय व्हील्स के साथ डिस्क ब्रेक वाला मॉडल है ये हमारा, तो पास से दिखा देता हूँ थोड़ा। तो 12 इंच के ट्यूबलेस टायर कंपनी इसमें ऑफर कर रही है, तो एलॉय व्हील्स विथ डिस्क ब्रेक वाला मॉडल है। तो आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल रहा है। तो लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्कूटी का। और यहाँ पे चलते हुए, तो सभी लोगों का वही क्वेश्चन था कि किक स्टार्ट अवेलेबल नहीं है, तो जब भी प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा। तो इसकी वजह से मार्केट में इसका सेल भी बहुत ही डाउन हो गया था। तो अभी कंपनी ने किक स्टार्ट वाला मॉडल दे दिया है, आप यहां पे देख सकते हो कि किक अवेलेबल हो चुका है हमारे पास जुपिटर 125cc में। और यहां पे पीछे जुपिटर 125, बहुत ही खूबसूरत कलर वगैरह का क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ग्लोसी फिनिशिंग में सब कुछ यहां पे है। तो किक स्टार्ट मिल गया तो और क्या चाहिए, बाकी सब कुछ आपको डिटेल पता होगा। पीछे का टायर्स अगर मैं बात करूँ तो पीछे भी आपको 12 इंच का ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर कर रही है, और पीछे के सस्पेंशन तो 5-way एडजस्टेबल मोनोशॉक आपको सस्पेंशन देखने को मिलेगा। तो सस्पेंशन वगैरह फाड़ू है ये स्कूटी में। तो एक बार मैं आपको इसका बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। बूट स्पेस इसका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप देखिए कि आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आगे मिल रहा है। तो फ्यूल टैंक यहाँ से शिफ्ट होके आगे चला गया है, तो पूरा का पूरा बूट स्पेस आपको यूज़ करने को मिलेगा। तो दो हेलमेट बड़ी आराम से रख सकते हो, बहुत ही बड़ा बूट स्पेस है। इतना बड़ा बूट स्पेस आपने कुछ स्कूटी में नहीं देखा होगा। और यहाँ पे पीछे से देखते हुए लुक को, तो आप देखिए यहाँ पे TVS का लोगो देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत लोगो। और यहाँ पे आप जो पीछे का टेल लैम्प वगैरह है वो भी देखिए, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो सीट का कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, और बहुत सारी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ से। तो यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन आपको डिजिटल देखने को मिलेगा, साथ में क्लॉक मिलेगा, साथ में कितना किलोमीटर राइड हुआ है वो दिखाएगा। और यहाँ से मोड चेंज करते हुए तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, मतलब कि लो फ्यूल का नोटिफिकेशन आपको इसमें से ही मिल जाएगा। और ये ओडोमीटर और भी ज़्यादा आपको अगर चेंज करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे लो फ्यूल नोटिफिकेशन, इंजन चेक लाइट, साइड लाइट टर्न इंडिकेशन, इको पावर मोड का ऑप्शन, और यहाँ पे एनालॉग में आपको स्पीड दिखाएगा।
तो इस तरफ आपको एक सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलेगा, साथ में यहाँ पे जो ट्रैफिक में हो तो आपको स्कूटी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, उस तरह का फीचर्स ये नया एड ऑन हुआ है। और इस तरफ आपको हाई बीम लो बीम साइड लाइट इंडिकेशन और साथ में एक हॉर्न का स्विच देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल स्कूटी काफ़ी अच्छी है, हैंडल बार भी काफ़ी वाइड है और यहाँ पर भी क्रोम का गार्निशिंग देखने को मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे नीचे पेट्रोल का टैंक है, तो पेट्रोल का टैंक यहाँ पर आ गया है हमारा। और यहाँ पे एक हुक देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको चार्जिंग फैसिलिटी भी देखने को मिलेगी। तो ये स्कूटी नहीं है, सब कुछ दे दिया है स्कूटी में, तो बहुत ही परफेक्ट स्कूटी है। इस तरफ का लुक देखिए आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको TVS Jupiter लेना है तो आप यहाँ पे आगवन TVS आ सकते हो, तो बहुत सारे मल्टीपल कलर्स ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। तो ये जो मैंने बताया था आपको कि ये जिसमें किक स्टार्ट आने वाला है TVS Jupiter 125 में, तो किक स्टार्ट आ चुका है। आप देखिए बहुत ही फाड़ू लुक लग रहा है ये स्कूटी का, जो ऑरेंज कलर है ना एकदम अलग लग रहा है, एकदम ग्लोसी कलर। तो कलर का जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए मिलते रहेंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल IDP Vlogs।